अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकार है, जहां प्रदेश में सरकार है, आए दिन राम पे सवाल उठते हैं जी, तो राम पे सवाल क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा चल रहा है, या ऐसे बस चुनाव जीतने के लिए, या विपक्षी उठा रहे हैं? ये तो विपक्षी उठा रहे हैं, और मूल रूप से जो आपने अभी देखा रामचरितमानस के संबंध में कि टीपा टपरी किया है, और उन्होंने कहा ये सवाल निकाल देना चाहिए रामायण से, तो मैं जो पूछता हूँ उनसे, अखिलेश यादव से, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी से सदन में पूछूंगा इस बात को, तो मैं आह्वान करता हूँ 1990 में नेशनल पीजी कॉलेज बढ़ल छात्र का अध्यक्ष रहा मैं, उस समय समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ आ रही थी, और यही बिहार के लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह की सरकार के इशारे पर उनको गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। तो मैं कहता हूं उन राम भक्तों का क्या दोष था जिनको नदियों में मार के लुहान कर दिया गया है। ऐसे बेईमान गद्दारों की बात करनी नहीं चाहिए। उस अखिलेश यादव को तो बताना चाहिए कि हमारे पिता ने जो सदन में मैं बात उठाऊंगा और रामचरित मानस के बारे में कहूंगा, और स्पष्ट रूप से बता रहे कि रामचरित मानस तो एक हम लोगों के महापुरुषों ने ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस लिखा है, लेकिन जो मुलायम सिंह यादव ने 1990 की सरकार में दलितों, पिछड़ों और तमाम लोगों को अपनी गोलियों से भुनवा करके और सरजू नदी में बहवा दिया, और कहा कि मर्यादा थी, इसको भी उनको सदन में पूछना चाहिए कि उनके पिता ने ऐसा क्यों किया। और दलितों, अरे 1995 में जब मुख्यमंत्री थी मायावती, मुलायम सिंह यादव थे, और मायावती जी उसकी बगावत की तेवर में थी, और दलित महिला थी, कौन व्यक्ति था जो गेस्ट हाउस कांड में उस महिला का चीर फाड़ करने का काम शुरू किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बताने का काम किया और मायावती को समर्थन दे करके सरकार बनाया मायावती को। तो दलितों का विरोधी तो सपा है, ये सपा के गुंडे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो दलित को लेकर के चलती है। आप बताइए कौन से गांव में जो दलित है, बाबा और बाबू साहब और सारे लोग से एक सामर्थ्य बना करके लेकर चलने का काम करते हैं, कहीं किसी दलित को बाबा से कोई गुरेज हो और अन्य कोई से? ये तो नेतागर जो है अपनी राजनीति चटकाने के लिए यह कह रहे हैं कि रामायण के बारे में मैं योगी जी से कहूँगा कि योगी जी आप वहीं पढ़ कर सुना दिए, तो मैं भी इस मंच के माध्यम से आज कह रहा हूँ गुरु गोरख के माध्यम से कि अखिलेश यादव के अपने 1990 में अपने पिता की द्वारा कराई गई कार्यों को जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाए उसके बारे में सदन में उठाना चाहिए कि हमारे पिता ने गलत किया है, साधु संतों को गोलियों से भुनवा करके और पानी में लुहान कर दिया। ऐसे लोगों की बात सुनना तो बहुत दूर है। हम दलितों के साथ है और पिछड़ों के साथ है। कौन कहता है कि हम सब लोग दलित और विरोध पिछड़ों का विरोध करते हैं? हम तो उनसे कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा आदमी निरंकट जो नेवला के रूप में कहता था कि मैं नेवला के रूप में घुस जाऊंगा, उसकी धज्जी उड़ गई इसी से अपने ही जनपद में कि वो चुनाव हार करके आज नेवला की तरफ गया, और वही अखिलेश यादव की सरकार ने उनको एक जगह दे दिया, बहुत बड़ा तगमा पा गए। अब जनता के बीच में भड़काने का काम कर रहे हैं, जब उनके पास कोई जगह नहीं है, उनके पास कोई समय नहीं है, तो सोच रहे हैं कुछ उठांग पटांग बोलेंगे। तो मैं आप लोगों को इस मंच गुरु गोरक्षनाथ गोस्वामी महासंघ के मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि आप लोग इस भ्रम में कतई न पड़िए, और दलित और पिछड़े वर्ग के लोग किसी भ्रम में न पड़िए। हम आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने के लिए निरंतर तैयार रहेंगे, कहीं पीछे नहीं रहेंगे। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। चलिए सर।